आज के लिहाज से मैं मेटल्स एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैक दिख रहा है पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से, और उसी में से स्टॉक लेके आया हूँ जिंदल स्टील एंड पावर। जेएसपीएल पे खरीदारी की राय है, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1080 का, फॉलोड बाय 1115 1115। विद अ डिस्क्लेमर, अप्रैल 2024 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं जेएसपीएल को 1080 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 1115 का पोजिशनल टारगेट। इसका मेन जो फैक्टर है वो प्रोडक्शन का जो इंक्रीज है, केपेक्स जो है वो मेन फैक्टर है। करीबन 65% से कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, 15.9 मिलियन टन कैपेसिटी बन जाएगी FY 2025-26 में। दो इंटीग्रेटेड प्लांट है, Q1 कामकाज मुनाफा भी स्ट्रांग रहा, और लोअर कोल कॉस्ट के कारण 35 से 35 डॉलर प्रति टन Q2 में कटौती देखने मिलेगी हमें जेएसपीएल में। ओवरऑल 7,500 से 10,000 करोड़ का केपेक्स है, तो इसका मेन थीम जो है केपेक्स है अगले साल का। जेएसपीएल शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1080 का और 1115।